हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी पाव भाजी सैंडविच रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इंस्टेंट बनकर तैयार भी हो जाती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून बटर। बटर के मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अब हमने इसमें डाल दिया है फाइनली चॉप किया हुआ एक प्याज, इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करना है। प्याज को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप किया हुआ एक कटा हुआ गाजर। एक शिमला मिर्च हमने डाल दिया फाइनली चॉप की हुई। 4 से 5 हमने यहाँ पर टमाटर लिया जिसे हमने रफली चॉप किया है। बीटरूट लिया हमने यहाँ पर एक कटा हुआ, इससे इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही अच्छा आएगा। सारी सब्जियों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। तो यहाँ पर मैं मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रोजन। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। मैं 250 ग्राम के लगभग मटर ले रही हूँ। सारी सब्जियों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। पाव भाजी मसाला मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब बिना पानी डाले इसे हम कवर कर देंगे और 15 मिनट अच्छी तरह से कुक होने देंगे, जब तक कि सारी सब्जियाँ सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे कवर कर देते हैं हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट हो गए हैं, सब्जियाँ बहुत ही अच्छी तरह से गल गई हैं। तो इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। बीच बीच में भी कवर का लेड हटाकर अच्छी तरह से आप मिक्स करते रहिएगा। अब इसे एक मैसर से अच्छी तरह से मैश कर देंगे, जिससे कि सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से मैशअप हो जाएं। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मैशअप हो गई हैं। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डालेंगे। आप चाहें तो सारी सब्जियों के साथ ही आलू का इस्तेमाल भी कर सकते थे। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, इसे भी अच्छी तरह से साथ में ही मिक्स कर देंगे। अगर आपके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उन्हें सैंडविच बनाकर दे सकते हैं, वो झटपट से फिनिश कर लेंगे। अब इसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी को परफेक्ट करने के लिए हम इसमें पानी डाल दिए हैं। पानी आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं। तो पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने। हमारी पाव भाजी का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम बॉयल आने देते हैं। तो परफेक्टली हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ पर लिए हैं 2 ब्लेड के स्लाइस। आप अपने मन अनुसार जितने चाहें उतने ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस। आप यहाँ पर ग्रीन चटनी या फिर रेड चटनी भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से लगा देंगे। अब हम इसमें पाव भाजी मसाला लगा देते हैं। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही टेस्टी ये सैंडविचेस बनकर तैयार होती हैं। तो अच्छी तरह से लगा दें। अब हम इसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस रख रहे हैं। आप इसमें प्याज टमाटर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, गरम कर लिया है। ऑयल डालकर अच्छी तरह से ब्रेड को सेक लेंगे दोनों ही तरफ से। आप यहाँ पर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ही तरफ से हमने बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्प कर लिया है इन्हें। तो इसे निकाल लेते हैं बाहर और इसी तरह से और भी बना लेंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी पाव भाजी सैंडविच। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।
हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड का बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट झटपट नाश्ता, जिसे आप जब भी आपका कुछ क्रिस्पी करारा और टेस्टी खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून के लगभग बटर। बटर को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। तो बटर को हमने अच्छी तरह से ये देखिए मेल्ट कर लिया। आप थोड़ा सा गरम करके भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिक्स हर्ब्स डाल देंगे, ऑरिगेनो डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट ब्रेड का नाश्ता है। अब हमने इसमें धनिया की पत्ती डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें चॉप की हुई गार्लिक भी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 1 पिंच बिल्कुल नमक डाल दिया है, क्योंकि बटर हमारा वैसे ही सॉल्टी है। अब यहाँ पर ले लिए हमने ब्रेड के स्लाइस, तो इसके ऊपर हमें लगा देना है। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिक्स हर्ब्स के साथ ये क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत पसंद आने वाला है। आप इसे टी टाइम स्नैक्स में या फिर लंच बॉक्स में भी बच्चों के रख सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने लगा दिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे किसी भी नॉन स्टिक या फिर नॉर्मल पैन में। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मिक्स अप ऊपर से डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे बटर और इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। बटर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम रख देंगे हमारी ब्रेड की स्लाइस। तो इसे हमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है दोनों ही तरफ से। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ब्रेड रोस्ट हो गई है। अब दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो इसे बनाने में केवल 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए पीछे से बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है, दोनों ही तरफ से बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी हैं ये। तो इन्हें निकाल लेते हैं हम बाहर। इसी प्रकार से आपको जितनी बनानी हो आप उतनी बना सकते हैं। अब इसे आप चाहें तो ऊपर से चीज़ लगा कर भी खा सकते हैं या फिर इस तरह से सिंपल। तो मैंने इन्हें बीच से कट कर लिया है ट्रायंगल शेप में। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी बटरी मिक्स अप से तैयार हुई बहुत ही क्रंची क्रिस्पी ब्रेड। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये विदाउट ऑयल के बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही चीज़ी बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 ब्रेड। यहाँ पर मैंने लिया है पास्ता सॉस, ये वीवा का पास्ता सॉस है। आप अपना मनपसंद सॉस ले सकते हैं। इससे बहुत ही चीज़ी फ्लेवर आता है। इसमें हर्ब्स भी मिक्स होते हैं। तो दोनों ही ब्रेड में हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास चीज़ ना हो तो आप इस ब्रेड को लगाकर बहुत ही टेस्टी चीज़ी फ्लेवर दे सकते हैं अपनी ब्रेड को। अब हम इसमें लगा देंगे पास्ता सॉस, जो कि रेड सॉस होता है। बहुत ही फ्लेवरफुल इंस्टेंट बनने वाला ये स्नैक्स है। जब भी आपको कुछ हल्की सी भूख हो और बनाने का ज़्यादा कुछ मन ना हो और विदाउट ऑयल भी बनाना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम इस पास्ता सॉस को हम लगा देते हैं। अच्छी तरह से हमने लगा दिया है। अब हम इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मोज़रेला चीज़ ले रहे हैं। आप यहाँ पर चीज़ स्लाइस या फिर चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। चीज़ को अच्छी तरह से हम ग्रेटेड करके लगा देंगे। अब इसके ऊपर मैं कोई भी हर्ब्स वगैरह नहीं डाल रही हूँ, सिंपल ही रख रही हूँ, क्योंकि हमारे जो पास्ता सॉस था उसमें ऑलरेडी मिक्स हर्ब्स मिले हुए थे। अब यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, इसमें हम लगा देंगे हमारी ब्रेड को। मैं यहाँ पर ऑयल या बटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑयल फ्री बनेगा। 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर कवर कर देंगे, जब तक कि हमारी चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, देखिए। तो ब्रेड को कर लेते हैं बाहर। आप अपने इसमें मनपसंद हर्ब्स डाल सकते हैं, या फिर आपको इसमें वेजिटेबल स्टफिंग देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही चीज़ी हमारे ब्रेड तैयार हैं।
अब इसके ऊपर थोड़े से हम मिक्स हर्ब्स डाल देते हैं, जिससे ये देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो लीजिए, बनकर तैयार हमारे बहुत ही टेस्टी रोस्टेड चीज़ ब्रेड। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, निधि की चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर बनने वाला पोटैटो सैंडविच। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना ना भूलें। सबसे पहले हम आलू का मसाला बनाएंगे। तो 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। तेल गर्म हो चुका है। जीरा डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून। अच्छी तरह से क्रैकर होने देंगे। 1 कटी हुई मिर्च डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। करी लीव्स डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से भून लेंगे 1 सेकंड के लिए। अब हम इसमें एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। सब्जियां मैं यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो भी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, इन्हें हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है, बस इतना ही। आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो मसाले में 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। नमक डालने से प्याज बहुत ही जल्दी से भुन जाती है। तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि प्याज अच्छी तरह से सुनहरी ना हो जाए। प्याज बहुत ही अच्छी तरह से भुन गई है तो हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 टमाटर लिए हैं बारीक चॉप किए हुए। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए 3 से 4 मीडियम साइज के आलू। इन्हें हम हाथों से ही तोड़कर डाल रहे हैं। आप मैसर से भी मैश करके डाल सकते हैं। तो हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू को डाल दिया है। बहुत ही इंस्टेंट ये पोटैटो मसाला बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, फ्रेंकी बना सकते हैं। मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से आलुओं को मिक्स कर देंगे। बहुत ही इंस्टेंट मसाला बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से भून लेते हैं इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया हमने। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और मसाले का टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। आप इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास मसाला अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 4 ब्रेड की स्लाइस ली हैं। हम इसमें टोमेटो सॉस डाल रहे हैं। आप इसमें ग्रीन चटनी, टोमेटो सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम इसमें लगा देंगे। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी वो हम इसमें लगा लेंगे। स्टफिंग आप जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं। जितनी स्पाइसी, जो भी मसाले आपको ऐड करना हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। बच्चों को ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमने मसाले को भर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियां भी नहीं हैं तो बच्चे इसे पूरा ही फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को आलू बहुत ही पसंद होता है। तो हमने स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह से लगा दी है। अब दूसरे वाले स्लाइस को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। उसके पहले हमने यहाँ पर नमकीन डाली है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। आप अपनी मनचाही नमकीन डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे हमने कवर कर लिया है। अब हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम ब्रेड को रख देते हैं। जितने भी आपको सेकने उतने आप स्टफ़ करके सेक लीजिए। तो एक तरफ से हल्का सा क्रिस्प हो रहा है। हल्का सा हमने ऑयल लगा दिया है, आप बटर भी लगा सकते हैं। अब इसे हम टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी ऑयल लगाकर अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इसे सैंडविच मेकर में भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से क्रिस्प एंड गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ऑयल या बटर लगा लेंगे। तो इन्हें अब हम पलट लेते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। दोनों ही तरफ से हम इस तरह से सेक लेंगे। हमारे ब्रेड दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से सेक गए हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं बाहर।
सैंडविच हमारी बनकर तैयार हो गई है। हमने इसे बीच से कट कर लिया है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड का बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेसिपी, जिसे हम विदाउट ऑयल बनाकर तैयार कर लेंगे। जब भी आपको भूख लगे आप इसे बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर एक बाउल। हमने लिया है यहाँ पर आधा कप स्वीट कॉर्न, एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया हमने, एक बारीक चॉप की हमने प्याज ली है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे पास्ता सॉस ड्रेसिंग, ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप इसकी जगह पर मेयोनीज भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, मिक्स हर्ब्स डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है। ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला स्नैक्स है। अब यहाँ पर हमने दो ब्रेड ले ली हैं, आप छोटी बड़ी जैसी चाहे ले सकते हैं। अब हम इसमें लगा रहे हैं पास्ता सॉस, आप यहाँ पर सेज़वान सॉस भी लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसे रख सकते हैं या फिर आप उन्हें ब्रेकफास्ट में भी बनाकर दे सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो आप इसे रोटी में भी बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो अच्छी तरह से हमने पास्ता सॉस इसमें लगा दिया है। अब जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी थी वो अच्छी तरह से फिल कर देंगे। तो इस तरह से ये देखने में खाने में दोनों में ही बहुत सुंदर है। मैं इसे विदाउट ऑयल ही बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे रोस्टेड भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें चीज़ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है स्टफिंग, आप अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। यदि आप डाइटिंग भी करते हैं तब भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल या फिर बटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो अच्छी तरह से हमने कर दिया है। अब हमने मिक्स हर्ब्स भी डाल दिया है, थोड़े से चिली फ्लेक्स फिर से डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसको बंद कर देंगे, ये देखिए। तो अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे। आप चाहें तो दो पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं, मैं इन्हें चार पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो मैं इन्हें बिल्कुल भी रोस्ट या फिर फ्राई या डीप फ्राई नहीं करूँगी। आप चाहें तो इन्हें रोस्टेड भी कर सकते हैं तवे में थोड़ा सा ऑयल या बटर डालकर। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारा स्नैक्स बनकर तैयार है। आई होप कि आपके रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सैंडविच की रेसिपी, जिसे आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो से तीन उबले हुए आलू ले लिए हैं, अच्छी तरह से मैश कर लिया था हमने। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजलिंग डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं, मिक्स हर्ब्स डाल देंगे, ऑरिगेनो डाल देंगे। आप यहाँ पर इंडियन मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सारे स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल दें। इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल पिज़्ज़े का फ्लेवर आता है। अब हमने डाल दिया है यहाँ पर गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, अनियन पाउडर 1 टीस्पून के लगभग। यहाँ पर मैंने चीज़ ली है 2 टेबल स्पून, ये मोज़रेला चीज़ है। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें बहुत सारी वेजेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो हमारी स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब हम ले लेते हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं, 3 लेयर की हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर मेयोनीज लगा रहे हैं, आप अपनी मनपसंद चटनी या फिर सॉस लगा सकते हैं। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे स्क्वायर शेप में रख दिया है, देखिए स्टफिंग को, जिस तरह के सभी तरफ अच्छी तरह से इसमें बाइट्स आए। अब दूसरा हम इसमें स्लाइस रख देंगे। फिर से हमने आलू का स्टफिंग रखा है और मेयोनीज लगाकर इसे इस तरह से स्टफ कर दिया है। अब बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगाकर आप इसे सेक लें दोनों ही तरफ से। बहुत ही कम समय में बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ये रेसिपी बन जाती है। आप इसे लंच बॉक्स में या फिर ब्रेकफास्ट या जब भी आपका मन करे आप बना सकते हैं। अब इसे टर्न कर लेंगे।
दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से हमने इसे क्रिस्प कर लिया है। तो अब आप इसे अपने मनपसंद चटनी या सॉस में खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी है ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी। थोड़ा सा ऊपर से हम इसमें चीज़ स्प्रेड कर देते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसके ऊपर कोई भी चटनी या सॉस भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही कम सामान और बहुत ही कम समय के साथ बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सैंडविचेस। आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। बहुत ही अच्छी अच्छी लेटेस्ट रेसिपीज को देखने के लिए चैनल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।